बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दुनिया की महंगी तरीन पार्टी जिसने इस फजूल खर्ची के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस पार्टी से पहले या इस पार्टी के बाद किसी ने ऐसी पार्टी नहीं की, क्योंकि ये एक ऐसी शानदार पार्टी थी जिसमें हर चीज लग्जरी थी। इस पार्टी में आने वाले गेस्ट किंग्स, प्रिंस, प्रिंसेस, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स थे। यानी इस पार्टी में 65 कंट्रीज के हेड मौजूद थे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसी पार्टी के बारे में जानेंगे जो किसी 7-स्टार होटल्स में नहीं बल्कि एक बंजर सहरा में की गई थी। ये सब कुछ जानकर आप हैरान होंगे कि ये कैसे होंगे, हो सकता है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। ये पार्टी सिर्फ 3 दिन के लिए थी और 3 दिन के लिए सहरा का नक्शा ही बदल दिया गया। वो कहते हैं ना, वो बेवकूफ जो दिन में काफूरे शम्मा चलाए, अनकरीब तू देख लेगा कि रात को इसके चराग में तेल नहीं होगा। तो व्यूअर्स, हम जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं वो ईरान के किंग शाह मोहम्मद रजा पहलवी की थी। 1960 के दौर में जब ईरान के रूलर शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे, जिनको किंग ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है, ये दुनिया के अमीर तरीन इंसान थे और गवर्नमेंट में बहुत पावरफुल थे। खड़े खड़े प्राइम मिनिस्टर को निकाल सकते थे, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते थे, जब चाहते ऐलान जंग कर सकते थे। शाह मोहम्मद अपने खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इनकी पुलिस रातों रात लोगों को घरों से उठाकर गायब कर देती थी, यानी मौत के घाट उतार देती थी। वो एक ऐसा किंग था जिसके मुंह से निकली हुई बात कानून बन जाती थी और शाह मोहम्मद अपनी ये पावर किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। ये खुद तो ऐशरत की जिंदगी गुजार रहा था और बहुत मॉडर्न भी था, लेकिन इसके कंट्री ईरान की हालत अच्छी ना थी। लोगों के पास कारोबारी जिंदगी ना था, पानी, तालीम, मेडिकल की फैसिलिटी से भी लोग महरूम थे। ईरान में बसने वाले लोगों के हालात बहुत ही बुरे थे, लेकिन शाह मोहम्मद को इसकी कोई परवाह नहीं थी। बल्कि शाह मोहम्मद उस वक्त ये सोच रहा था कि पूरी दुनिया में ईरान का इमेज अच्छा बनाने के लिए एक शानदार पार्टी रखी जाए, जिसमें पूरी दुनिया के किंग्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, प्रिंस और प्रिंसेस को बुलाया जाए। इस पार्टी के लिए 1 साल पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह था कि दुनिया भर से आने वाले अशराफियाज को कहां ठहराया जाए, क्योंकि उस वक्त ईरान में 7-स्टार होटल्स ना थे। शाह मोहम्मद ने यह फैसला किया कि पार्टी को सहरा में रखा जाए। रेगिस्तान के 500 एकड़ हिस्से में केमिकल डलवाकर सांपों और बिच्छुओं को खत्म करवाया गया। इसके बाद ये फैसला हुआ कि जहां एक रॉयल विलेज भी बनाना चाहिए जिसमें प्लास्टिक के टेंट लगाए जाएंगे, लेकिन शाह मोहम्मद को इस रॉयल विलेज में एक फॉरेस्ट भी चाहिए था। तो व्यूअर्स, ये दुनिया की पहली और अनोखी पार्टी हो रही थी। वो डेजर्ट जो फॉरेस्ट बनाया जा रहा था, शाह मोहम्मद ने 20,000 दरख्त इम्पोर्ट करवाए। खैर, फॉरेस्ट तैयार हो गया, इसमें हरे भरे दरख्त लग गए और फूल भी उग गए। इसके बाद शाह मोहम्मद ने 50,000 बर्ड्स और 30,000 स्पैरोस यूरोप से मंगवाए। अपने मेहमान अशराफियाज को ठहराने के लिए पेरिस की कंपनी के साथ कांटेक्ट किया गया, जिन्होंने एयर कंडीशन लग्जरी स्वीट्स बनाने शुरू कर दिए। हर स्वीट्स में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, सिटिंग रूम और किचन बनाया गया। इसके अलावा हर स्वीट्स के साथ 5 कुक और 20 सर्वेंट्स भी मौजूद थे। ये लग्जरी स्वीट्स पेरिस में तैयार करवाई गई, फिर इन्हें प्लेन्स के जरिए ईरान लाया गया। रेगिस्तान के इस हिस्से में सामान पहुंचाना मुश्किल था, तो शाह मोहम्मद ने 50 किलोमीटर की दूरी पर न सिर्फ एक एयरफील्ड बनवाई बल्कि एक हाईवे भी तामीर करवाया ताकि रेगिस्तान तक सामान पहुंचाया जाए। पार्टी में पेश किए जाने वाले खाने दुनिया के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट मैक्सिम्स डी पेरिस में तैयार करवाए गए। इस रेस्टोरेंट के शेफ, वेटर्स और कुकिंग इक्विपमेंट्स को पार्टी से 10 दिन पहले ही ईरान भेज दिया गया। 18 टन फजनी का सामान पेरिस से मंगवाया गया। इसके अलावा 12 टन शराब और शराब को ठंडा करने के लिए क्यूब्स भी पेरिस से मंगवाए गए। जब इस पार्टी पर इतना खर्चा हो रहा था तो आवाम में बहुत गुस्सा पाया जा रहा था। इस इवेंट को सिक्योर करने के लिए 65,000 आर्मी सोल्जर्स को भी बुलाया गया। 14 अगस्त 1971 पार्टी का पहला दिन था। 250 बुलेट प्रूफ लैम्बोसिन्स के जरिए मेहमानों को रॉयल विलेज में लाया गया। शाह मोहम्मद ने तमाम मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया और इनके हर तरह के खानों का इंतजाम किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक पार्टी पर $1 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा आया। इस इवेंट को दुनिया भर की प्रेस ने कवरेज दी। उस वक्त तो शाह मोहम्मद की बहुत तारीफ हुई, लेकिन बाद में लोगों के दिलों में उबलने वाला जहर बाहर आने लगा, क्योंकि ईरान के अवाम बेसिक फैसिलिटीज को भी तरस रहे थे और वहां के किंग ने अरबों डॉलर्स 3 दिन की पार्टी पर खर्च कर दिए। 1978 में ईरान में ऐसा इनकलाब आया कि शाह मोहम्मद को अपनी जान बचाकर इजिप्ट भागना पड़ा। आयतुल्लाह खमेनी को ईरान के अवाम ने अपना लीडर बना लिया। इसके 1 साल बाद शाह मोहम्मद की डेथ हो गई, जो एक पार्टी की वजह से शाह मोहम्मद को अपनी हुक्मरानों से भी हाथ धोने पड़े, क्योंकि तब्दीली फितरत का कानून है। आपका बहुत शुक्रिया।